फ्यूचर प्लान बता दीजिए आप। फ्यूचर प्लान पर्सनल लेवल पे या फिर बोथ पर्सनल और बिजनेस? यार लॉन्ग टर्म लेवल पे ना मेरे को अभी मन है एंजल इन्वेस्टमेंट करने का, अभी तो नहीं। हाँ। अभी मेरी औकात नहीं है, मतलब कंसीडर करना हमारे वालों को मतलब अभी मतलब देखो हाँ, मतलब दो साल में प्लानिंग है कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करने की जहाँ पे मैं एक इकोसिस्टम क्रिएट कर पाऊँ जहाँ पे मैं लोगों को सिखा भी पाऊँ और इन्वेस्ट भी कर पाऊँ। मतलब मैं इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं चाह रहा हूँ कि मैंने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। ओके। मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट चाह रहा हूँ हाँ कि इन्वेस्ट किया मैंने और उसके बाद उसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो हम बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हैं ना, जैसे बाहर बड़े फंड चल रहे हैं वो जैसे करते हैं, मैं वो छोटे लेवल पे करना चाहता हूँ कि हमारी औकात उनके सामने कुछ नहीं है। वो फंड उनका फंड होता है $1 बिलियन। सही बात है। $200 मिलियन ये बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं। इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास। सही बात है। और ना मैं फंडिंग रेज शायद करना चाहता हूँ उस चीज के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता। तो मुझे वो एक इकोसिस्टम टाइप बनाना है जहां पे सबके लिए एक लर्निंग मैकेनिज्म, जैसे आप क्लाउड किचन दे रहे हो तो उसमें क्लाउड किचन के लिए अलग से मेंटरशिप प्रोग्राम हो और उसके अंदर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आके समझा के जा रहे हैं। उसमें रेबल फूड्स का फाउंडर आके बता रहा है उसने क्या गलतियां करी, क्या किया क्या नहीं किया, और वो आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब इस लेवल पे चाह रहा हूं। पर पता नहीं वो कब होगा कब नहीं होगा। ओवरऑल मेरा लॉन्ग टर्म विजन यही है, क्योंकि मैं फाउंडर एंड फिल्टर जो इंटरव्यू सीरीज करता हूं उसका लॉजिक यही था कि धीरे धीरे हम एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर क्रिएट करें, हवाबाजी वाला नहीं। वो लोग जो सीरियसली करना चाहते हैं, उसमें बहुत ही टेक्निकल बातें होती है और टेक्निकल बातें सबके लिए नहीं है। सही बात है। जो जेन्युइन सीरियस है बिजनेस को लेके सिर्फ उसी के लिए वो वीडियोस है। तो वो सीरियस से क्रीम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कल को जब मैं ये प्रोग्राम निकालूंगा तो मेरे पास कुछ क्रीम लोग होंगे। सही बात है। आज मैं कह दूं आ जाओ आ जाएंगे सब। सही बात है। पर होगा कुछ नहीं, मेरे पैसे डूब जाएंगे। और ये देखा जाए ना, अभी जैसे अभी मतलब मेरे पास जैसे कोई कोई भी आ रहा है कि मेरे को बिजनेस करना है, मैं बोल देता नौकरी छोड़ दो, ठीक है ना, तो वो वैसे ही डर जाएगा बंदा। ठीक है ना, अगर आप नौकरी नहीं छोड़ सकते तो बिजनेस आप नहीं कर सकते। सिंपल है। ठीक है, पर देखो अगर नहीं, अगर सिचुएशन अलग होती है। नहीं, मेरे मेरे सिनेरियो में क्या होता है, रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे आपको फिजिकली रहना है। हाँ, ये बात भी सही है। जो डिजिटल वाली चीज है तो आप कर, अभी किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो अपना एक दो घंटा रोज का निकालेगा और एक साइड बिजनेस कर लेगा, चाहे एजेंसी भी खोली है। बट कोई फूड बिजनेस खोलना चाहता है, कोई क्लाउड किचन रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, भाई फिजिकली आपको आना पड़ेगा। तो आधे से ज्यादा लोग तो उसमें घबरा जाते, नहीं मेरी बाकी की सोर्स क्या, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है पहले तो आपको विश्वास नहीं हो रहा। मैंने 2019 में चालू करा, कोरोना के बाद में आया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है ना, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, आई वॉज कॉर्पोरेट शेफ। ठीक है ना, मेरे दिमाग में आया कि भाई क्या कर रहे हैं लाइफ में, मतलब क्यों हो रहा है ये सारी चीजें, छोड़ छाड़ के वीडियोस बनाना चालू कर दिया और तब से चीजें आगे बढ़ती जा रही है। तो स्टेप तो आपको ही फॉरवर्ड आगे करना पड़ेगा, उसके बाद ही चीजें हमारी आगे बढ़ेगी।